इंदौर के नए कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिख रहे हैं। हालांकि इंदौर की परिस्थितियां चिंता का विषय है। इंदौर में अभी तक कुल 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके चलते मनीष सिंह ने इंदौर का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों की मीटिंग ले ली है, सभी प्रकार के मरीजों का इलाज किया जाएगा। कोशिश ये भी की जा रही है कि जिन क्षेत्र से मरीज लगातार मिल रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। हमने रानीपुरा को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया। क्वारंटाइन के लिए कई मैरिज गार्डन हम लोग ले रहे हैं, जहां लोगों को रखा जाएगा। जो निजी अस्पताल हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं, सभी तरह के पेशेंट्स का इसमें इलाज चले। कुछ अस्पतालों को सर्दी खांसी और सांस लेने की तकलीफ के लिए आइसोलेट कर देंगे हम लोग। कोविड के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ डेडिकेटेड अस्पताल 2-3 फिक्स हो जाए जिसमें केवल कोविड पेशेंट कहीं अगर आइडेंटिफाई होता भी तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे उसको। और अस्पतालों का मैनेजमेंट मेन है। नंबर टू, जो हमारे एरियाज में ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं, जैसे रानीपुरा हो गया, नयापुरा हो गया, चंदन नगर खजराना हो गया या हाथीपाला हो गया, यहाँ पर इनमें हम लोगों को स्क्रीनिंग करानी है। उसकी टीम अभी हम लोग रवाना कर रहे हैं, आज पूरा रानीपुरा टेकअप कर रहे हैं। पुलिस के एडिशनल SP साहब भी हैं। ये बोला गया है कि जो ये रोड है प्रैक्टिकल इस पूरे मोहल्ले में जहाँ से केसेज आ रहे हैं, इसको पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं इस मोहल्ले को। अभी इस तरह के जितने भी एरियाज हैं हम लोग को पूरी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। जो दवाइयाँ देनी, प्रोफिलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि HCQS दवाई देते हैं, क्लोरोक्विन टाइप की दवाई रहती है, वो दवाइयाँ बंटवा रहे हैं 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए और जिनको डायबिटिक है या अलग अन्य बीमारी है, एक्सेप्ट हार्ट की डिजीज़ हो। हार्ट की डिजीज़ में ये दवाई एकदम से नहीं देंगे बगैर मेडिकल ट्रीटमेंट के, बाकी सबको जो दवाई के डोज देना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं इनिशियल। अगर उसमें किसी का कुछ पॉजिटिव या कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं उसको हम लोग आइसोलेशन में ले जाएंगे MTH में। जो क्वारंटाइन का है, कई लोगों को यहाँ से क्वारंटाइन में ले जाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग मैरिज गार्डन्स कुछ लेट टेक ऑफ कर रहे हैं बाईपास के, वहाँ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हलवाई वहाँ लगा रहे हैं ताकि सुबह से लेकर रात तक उनको खाने की व्यवस्था रहे उनकी। और इसके बाद फिर शहर का टोटल लॉकडाउन करना है, तो मेरा उसमें आप लोगों से सहयोग, मीडिया और मीडिया का, आप लोग भी सुरक्षा का ध्यान रखें, सभी लोग मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहने, कृपया ऐसे ना घूमें आप लोग। ऐसी बाकी लोगों का भी है जो स्वयं से भी संगठन खाना बंटवाने के नाम पे पूरे शहर में भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैंने स्ट्रिक्टली पुलिस कंट्रोल रूम को बोला है, सभी TIs को मैसेज हो गया है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया स्वयंसेवी संगठनों से, हमें जरूरत पड़ेगी, मैं सबको जानता हूँ, मैं बुला लूँगा उन लोगों को, हम व्यवस्था अलग से करा रहे हैं 5-10 हज़ार पैकेट बनवाने की, अलग से हम लोग लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं जनता के बीच से, लोगों को उनके माध्यम से हम बंटवा देंगे। पर जो स्वयंसेवी संगठन पूरे शहर में घूम रहे हैं, अभी मैंने आया तो MYG के सामने भीड़ लगी थी, मैंने वहाँ TI साहब को भेजा था, मोबाइल को भेजा है कि उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें वो भी घर जाएं, भीड़ भी इकट्ठा ना करें। ये सारे दूसरे जो बच्चों लोगों के लिए ये हुआ था, थानों में भीड़ लग रही थी परमिशन लेके बाहर जाने का, वो भी स्ट्रिक्टली हमने मना कर दिया है पुलिस को। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा जिस हॉस्टल में रह रहा है, उस हॉस्टल संचालक की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं वहाँ बच्चे को खाने पीने की व्यवस्था हो, हॉस्टल संचालक उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कहीं अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो संबंधित हॉस्टल संचालक जिम्मेदार माना जाएगा। वहीं हाल ही में इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और IG विवेक शर्मा भी पेट्रोलिंग पर निकले, साथ ही मैदानी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि कर्फ्यू का प्रभावी रूप से अमल कराया जाएगा। रिपोर्ट एक्सपोज टुडे।